जान गया नूरुद्दीन जंगी चलता 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 कह लगा तोड़ा हुजरा कुत्ते वे हुजरे ते लाके गए ते जनाब ओ कह लगे जी असी ते सारी रात कुरान पढ़ने आ सारी रात नफल पढ़ने आ सारी रात असी जनाब अपना अल्लाह दा जिक्र करने आ ते आपने आख्या कमरे दी तलाशी लवो कमरे दी खैमे दी तलाशी लई गई कोई चीज नजर नहीं आ रही जिस चटाई ते बह के ओ बज़ाहिर उन मुसल्ले पए सन ते कहंदे सन इसकी नमाज पढ़ने आ चटाई नहीं उठाया गया देखिया ते जनाब सुरंग कड्डी हुई ते सुरंग चलती चलती कुछ रवायत के अंदर मैं पढ़े कि हजरत उमर फारूक का पैर मुबारक नजर आ रहा हजरत उमर फारूक का पैर मुबारक नजर आ रहा सी अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा नूरुद्दीन जंगी ने ना बंदिया दोनों नु वास्ते जहन्नम कीता फिर इस नूरुद्दीन जंगी ने हुजूर दे रोजे दे चार चफेरे इतना इतना गहरा खड्डा खदवाया कि जमीन तो पानी निकल आया पानी निकल आया फिर ओदे दे पिघलिया सीसा ते लोहा भरया चार चफेरे उसनु भरया ते बरन तो बाद जदों मदीने दे अंदर इसने काम मुकम्मल किया ते लिख लिया मुहद्दिसी ने कराम ने नूरुद्दीन जग्गी मदीने दियां गलियां ते अपनी झोली इस तरह उठांदा है ते झोली उठांदा जांदा है नाल रोंदा जांदा है ते नाल कहंदा जा रिया का मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना ते मैं क्यों करूं सुनो ए बाबा गुवेड़े मेरे ओ बड़े दानागे पै लख वसीले ए बाबा नूरुद्दीन जंगी गल मुकालमा नूरुद्दीन जंगी उस वक्त जो हुदून सारा ने साजिश की थी कि दो अपने लाइन भेजे के मदीने पाक जाओ उन्होंने पहले दीन पढ़ाया उन्होंने उन्हें मुनाफकों दाड़ियां रहाइया जुबे पवा के पैसे दे के भेजा कि हजूर का जरा जस्ते खाकी है ना तुसा थलो सुरंग कढ के लैके आना ओ जालिम मदीने दे अंदर गए उन्हें एक साइड से कमरा लिया जन्नतुल बकी दे अंदर ओ थलो सुरंग कढ़ के हजूर के जिसमें खाके नू लैन वास्ते जा रहे सन ते हजूर ने नूरुद्दीन जंगी नू जड़ा दमिश्क दा मिस्र दा बादशाह सी इनू ज़ियारत करवाई दरूद पढ़दा पढ़दा सुत्ता हजूर ख्वाब अंदर आ गए हजूर ने फरमाया दो लाइना दी तस्वीर हजूर ने विखाइया कि ए मैनू तकलीफ दे रहे ने जल्दी इन्हां दा बंदोबस्त कर बादशाह सवेरे उठिया बड़ा उन्हें खैरा दूसरी रात आई फिर हुजूर दी ज़ियारत आई हुजूर ने फरमाया कि इन्हां दो मैनूं तंग कर रहे ने इन्हां तों मैनूं नजात दे आखर तीसरी रात जदों ख्वाब आई ना नूरुद्दीन जंगी नूं हुजूर ने फरमाया उठदा नहीं ते नूरुद्दीन जंगी समझ गए आखिरकार बड़ी तेजी दे नाल मदीना शरीफ सफर शुरू कीता जल्दी जल्दी जदों मदीना पाक पहुंचया जाके इन्ने वाली मदीना नू मदीना दे गवर्नर नू आखिया पूरे मदीने दे अंदर जितने भी लोग हैं मैं सब दी दावत करनी चाहना ते वेखना चाहता सी ताकि ओ दो लाइन जिन्हां दियां शक्लां हुजूर ने विखाइयां ने उन्हां दो लाइनां नू मैं वेख लवां ते उन्हां नू कैसरे अपना उन्हां नू वासले जहन्नम कर देवां आखिरकार मेरे दोस्तों सारे दावत दे लोग आए लेकिन आपने लोगों नू दावत भी खवाई नाल पैसे भी इनाम इकराम भी दिते लेकिन ओ दो बंदे नजर नहीं आए अब नूरुद्दीन जंगी ने ऐलान किया कोई बंदा रह दे नहीं गया किसी ने आख्या दो बंदे ने बड़े ही नेक ने सारा दिन हाजियां की खिदमत करते ने उस उमरा जायरीन की खिदमत करते ने ते रात नू कुरान पढ़ते ने ते नवाफिल पढ़ते ने सारा दिन जनाब सारा दिन लोगों की खिदमत करते ने तो इतने अमीर ने उन्होंने किसी को कुछ लैन की जरूरत कोई नहीं बल्कि वो तो लोगों आप ही पैसे वंटते हैं लोगों को खाना वंटते हैं नूरुद्दीन जंगी कह लगा आप समझ गए कि लगता है वो ही बंदे ने कह लगा उन्होंने बुला के लैके आओ जिस वक्त बंदे सामने आए थे पहचान गया ए पहचान गया नूरुद्दीन जंगी चलता 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 कह लगा तुहाडा हुजरा कुत्थे वे हुज
उजरत लैके गए थे जनाब, वो कह लगे जी असी तो सारी रात कुरान पढ़ने, सारी रात नफल पढ़ने, सारी रात असी जनाब अपना अल्लाह का जिक्र करने। आपने आख्या कमरे की तलाशी लवो, कमरे की खैमे की तलाशी ले गई, कोई चीज नजर नहीं आ रही। जिस चटाई ते बह के ओ बज़ाहिर उन्हें मुसल्ले पाए सन, ते कहंदे सन असीं नमाज पढ़ने, चटाई नहीं उठाया गया। वेखिया ते जनाब सुरंग कड़ी हुई, ते सुरंग चलती चलती कुछ रवायत के अंदर मैं पढ़िया कि हजरत उमर फारूक का पैर मुबारक नजर आ रहा, हजरत उमर फारूक का पैर मुबारक नजर आ रहा। अल्लाह अकबर कबीर आओ, अल्लाह अकबर कबीर आओ। नूरुद्दीन जंगी ने उन्होंने बंदिया दोनों वास्ते जहन्नम किया। फिर इस नूरुद्दीन जंगी ने हजूर के रोजे दे चार चफेरे इतना इतना गहरा खड्डा खदवाया कि जमीन तो पानी निकल आया, पानी निकल आया। फिर ओदे पिघलिया सीसा ते लोहा भरिया, चार चफेरे उसनू भरिया। ते भरन तो बाद जदों मदीने दे अंदर इसने काम मुकम्मल किया, ते लिखे लिया मुहद्दिसीन कराम ने नूरुद्दीन जग्गी मदीने दियां गलियां ते अपनी झोली इस तरह उठांदा है, ते झोली उठांदा जांदा है, नाल रोंदा जांदा है, ते नाल कहंदा जा रिहा का मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना, ते मैं क्यों कर सुनो ए बाबा गुवेड़े मेरे ओ बड़े दानागे भई लख वसीले ए बाबा गु ना मैं सोनी ते सोने हबीबा ना कुछ पल्ले ते मैं क्यों कर यार ए मनावा अगू इको गम गए मैनू मेरा कामिल बागू किते रोती ना मर जावा गुई। सोनिया आका मैं इस काबिल कितो, मेरे इतनी दुनिया भरी पई है आका मेरे जे गुनाहगार ने तुसा कबूल कीता है, एक कम रब जी दे कोल लिल वे है, इस वास्ते रब नु मेरी तेरी लोड कोई नहीं, मेरी तेरी रब नु लोड कोई नहीं। अपने हबीब दी ते अपने कुरान दी हिफाजत रब सोणी जानदा है, है? सिर्फ की है वो देखना चाह रहा है कि केड़े बदबخت बन रहे ने, केड़े खुश हैं, केड़े बदबخت ने और केड़े खुशबخت ने, केड़े किस तरीके नाल इस अजीम गुस्ताखी के अंदर अपना हिस्सा पा रहे हैं। सिर्फ मेरे तेरे ईमान का इम्तहान है और गल कोई भी नहीं। जिस सूरज नू रब बुलंद करे ते जिस नबी दे सिर ते वरफान अल्लाह का जिक्र रखता साया होवे, किसे दुनिया दे कुत्ते दे अंदर अंदर जुरत है वे मेरे आका दी शान घटा लवे, ये नहीं हो सकता। ए मेरे आका दी शान वराल वराए ए वधदी है ते कयामत तक वधदी रहनी है, बल्कि कयामत तक नहीं कयामत तो बाद भी जिन्नू जन्नत मिलनी है जहरा दे बाबे दे सदके मेरे आका दे सदके मिलनी है। इस वास्ते दोस्तों अपने बच्चों नू दीन पढ़ाओ, बुनियाद अंदर दीन रखो। जो शाम घर जाते हो ना तो मोबाइल खोल के लगे होंगे, मोबाइल रखो पर पुत्र इतना लाओ। अज तुम अबू बकर सिद्दीक की गल सुनाई है पुत्र, अज असरा उमर फारूक की गल करनी है, आज जैसा उस्माने गनी दी गल करनी है, आज जैसा खालिद बिन वलीद दी गल करनी है, ताकि बच्चों नूं पता होवे कि असीं यहूदियां दे घर नहीं मुसलमानां दे घर जम्मे हां, मुसलमानां दे घर हां, असीं मुसलमानां दे घर हां ते असीं मुसलमान हां। इकबाल ने आख्या सी ना जुबां से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तो सैयद हो मिर्ज़ा हो ओ फगा भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो,
ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, अपने आप को ठीक करो यार। छड़ दो उंगलियां चुकनियां लोगों के ऊपर, बस अपने आप को ठीक करो, अपनी औलादा की तरबियत दीन के मुताबिक करो। वेखो मेरे पुत्र ने कितनी नमाजा पढ़िया ने, मेरी बेटी ने कितनी नमाजा पढ़िया ने, क्या मेरी घर वाली नमाज पढ़ती है पई, क्या जो रोटी पकाती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हुजूर ते किन्ना दरूद पढ़ के बच्चे ने लुकमा खवांदी है। इन्हां गल्लां वल ध्यान करो, ये कम करोगे तो खुदा की इज्जत की कसम मर जाओगे, लेकिन मर के भी रब मरन नहीं देगा। अपने बच्चों हुजूर दा गुलाम बनाओ, हुजूर दा नौकर बनाओ। इत्थे भी बेड़ा पार है इंशाल्लाह, कब्रो हशर अंदर भी बेड़ा पार है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।